मशहूर है ज़माना, चने की दाल जो कि देसी घी के अंदर बनाई जाती है। ये देखिए इसकी प्लेट लग रही है, स्पेशल दाल है, देसी घी वाली दाल है, ठीक है। और साग रोड के ऊपर खारियाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर पहले आपको मियाँ जी का होटल मिलेगा, इनकी चने की दाल फ्राई। जगह तलाश कर रहे हैं बैठने की, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की सीटिंग अवेलेबल हैं, आप यहाँ भी मतलब तिरपाई पर भी बैठ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कुर्सी भी। नहीं जी, ऑर्डर हमारा आ गया है, सलाद है, ये चने की दाल है, और दो हमने रोटियां मंगवाई हैं, क्योंकि अभी हमने आगे भी जाना है और भी खाना है, तो आपको हम टेस्ट करके बताते हैं कि दाल कैसी है। मेरे साथ अगर आप टेस्ट करके बताएं कैसी दाल है ये साथ। हाँ जी, एक और चीज़ साथ, अचार भी अवेलेबल, अगर आप वो चाहें तो ले सकते हैं। नहीं जी, अब हम शुरू करें और ये सब आपको टेस्ट करके बताएँगे। हाय सर भाई, रोला पाता ही। गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है बेसिकली पीछे ना। हाँ जी, कैसा टेस्ट है? डिफरेंट टेस्ट है। अब मेरी बारी है टेस्ट करने की। और ये एक और ख़ास चीज़, बेसिकली देसी घी वाली दाल है ये, और उन्होंने इसके अंदर देसी घी डाला हुआ है। अब वो असली या नकली इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये कि टेस्ट दाल का ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त है। और दाल आप देख रहे हैं पूरी तरह घुटी हुई दाल है, जैसा नीम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त दाल है। हम अपना खाना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है टेस्ट का ओवरऑल। खा लें आप थोड़े रोटी, ठीक है, फिर आप लगाएँ अचार, ये अचार है सर, और दाल भी ट्राई कर सकते हैं आप। जैसा कि आप लोगों को पता है, खाने के बाद बोतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक और मीठा बहुत ज़रूरी है। तो मियाँ जी के होटल में हमें एकदम सामने एक बोर्ड लगा हुआ था कि गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। हमने कहा हम भी क्यों ना ट्राई करें, तो हमने ये दो गर्मा गर्म गुलाब जामुन मंगाए। अब वो ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसे जा रहे हैं। ये तो जामुन ट्राई करो, जामुन ट्राई करो। वेरी डिफरेंट, वेरी टेस्टी, बिल्कुल नरम और गरम, बिल्कुल नरम है, फुल नरम। मतलब चने की दाल तो इनकी मशहूर है ही है, इसलिए वर्ल्ड फेमस चने की दाल कहा जाता है इसको, और लेकिन गुलाब जामुन भी इनके काफ़ी डिफरेंट हैं। खानों में देसी घी की शुरू है, यानी ये देसी घी को इस्तेमाल किया गया, और उसका उसकी वजह से जो खाने का टेस्ट है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन जगह टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है खाने का। तो ये भी हमारी तरफ से रिकमेंड है आपको, इसको मस्त ट्राई कीजिएगा गुलाब जामुन से। मियाँ जी के होटल पे खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे एक समझ लगा कि किचन का भी ज़रा मुआयना करते जाएँ, ताकि आपको एहसास हो जाए कि किचन में सफाई का मेयार क्या है। अब ये दाल है इनकी, ज़रा ये इनकी दाल है, ये देखें ये इसकी प्लेट लग रही है, स्पेशल दाल है, देसी घी वाली दाल है, ठीक है। और साग भी है देसी, ठीक है। और ये साथ इनके मटन है, मटन कढ़ाई है, ये वाइट चिकन, ये वाइट चिकन है, रुबनानी टाइप होता है, और सॉरी ये क्या है, ये करेले की मटन है, ये मटन करेले में, और ये साग है, और ये इनका साग है, और ये इनके ये बिरयानी है जी। ये आप इनके किचन का व्यू देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ है हरा धनिया और अदरक वगैरह गार्निश के लिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किस्म का इन्वायरमेंट है मियाँ जी के होटल का। ये बिरयानी है, और ये साग है मक्खन में से भरा हुआ, कीमा है, ये सारा आप देख रहे हैं। और ये इनकी मशहूर है ज़माना,
चने की दाल जो कि देसी घी के अंदर बनाई जाती है। अच्छा सर जी, कब से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम 1978 से हम 1978 यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। होटल कब से यहाँ पे ये है? ये होटल भी तभी बनाना, पहले सिटी में था। अच्छा, पहले वहाँ में था और वह यहाँ पर आ गया। और ये देखें, ये दाल अभी आई है। आगे भी बनाया ना, कुछ साल एक आगे भी बनाया रोड के ऊपर। अच्छा, पहले लाला मूसा के अंदर था, अब उसको बाद में यहाँ लेकर आए हैं। 1978 में यहाँ पे ले आए इसको। हॉल भी अवेलेबल है जो कि फुली फर्निश है और खूबसूरत हॉल है। यहाँ बैठ के भी आप खाना बड़े इजीली खा सकते हैं। काफ़ी रश है, लोग आए हुए हैं तो देख रहे हैं। और बाहर भी, बाहर तो ओपन एरिया है ही है, यहाँ हमने भी बैठ के खाना खाया है। फैमिली हॉल भी अवेलेबल है, फैमिलीज भी आ रही हैं यहाँ पे, आप जैसे कि देख रहे हैं। और ये यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग हैं, ये मौलवी साहब हैं जिन्होंने हमें डील किया था। मौलवी साहब क्या नाम है आपका? इमरान। इनका नाम? अच्छा, मेरा नाम भी इमरान है। नाम इमरान है। और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? 8 साल से। ये 8 साल से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें सारी सर्विंग की है। नहीं इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका।